लेकिन एट दी रिस्क ऑफ साउंडिंग पॉलिटिकल मैं ये कहूंगा कि जो नेट की बात आप बार बार कर रहे हैं या रही है, इन स्पाइट ऑफ दैट दी वर्क हैज कंटिन्यूड स्मूथली एंड एज वी वर व्यूइंग यस्टरडे इन आयुष्मान भारत वी प्रोवाइडेड पेशेंट केयर एंड पेशेंट कवर आउट ऑफ आयुष्मान इंश्योरेंस टू 60,000 पेशेंट्स थ्रू ऑफलाइन मैकेनिज्म एंड श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट हैज रिकॉर्डेड नियरली 70,000 गोल्ड कार्ड्स in less than 1 year. And the net constraint, इसको दो हिस्सों में आपको समझना होगा, आपको समझाना भी है, because you are also now not only representing the government but also representing the larger social public interest. जिस cause के लिए net suspend हुआ, that is much bigger than the small inconveniences. और ये सच है कि बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, पर्टिकुलरली दोज अपियरिंग इन दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देर इज सम इनकन्वीनियंस फॉर विच सम मैकेनिज्म्स हैव बीन इवॉल्व्ड ऑल्टरनेटिव्स. एटलीस्ट इन दिस रीजन मोस्ट ऑफ अस हैव इवॉल्व्ड आवर ओन सेल्फ मैकेनिज्म. सम ऑफ अस हैव वाईफाई दैट देयर प्लेस इज समवेयर एल्स, बट देयर वॉज अ टाइम वेन mobile network was not available, and still most of them, the present lot of officers have qualified through that era. ये बात तो ये है कि क्योंकि हर चीज को आप 370 के चश्मे से देखा जा रहा है, मीडिया में भी और बाकी आलोचकों के द्वारा भी, इसलिए आपको ये खड़कता है. नहीं तो पिछले 3 वर्ष के आतंकवाद में ऐसे कई ऐसे अंतराल आए, 3-3, 4-4 महीने तक इंटरनेट बंद था. और ये जो मुहाफिज खुद ही के, जो मुहाफिज नेट के जो आज बोल रहे हैं, उस वक्त क्यों चुप थे? और जो आज बोल रहे हैं, या तो उनका उसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हालात खराब हो, या फिर उनको समझ लें. और हमें बड़ी हैरत होती है, ये संभाग से भी कुछ छुटपुट बातें निकलती हैं, दूसरे एलिमेंट जिनको कुछ और कहने को नहीं है, या तो उन्हें समझ में नहीं आया या वो राजनीति करना चाहते. हमारे पास एविडेंस है एंड आई विल लाइक द मीडिया टू डू सम एनालिटिक स्टडी ऑफ दिस. आपके जो लखनपुर में 3-4 लोग पकड़े गए, वो इसलिए पकड़े गए कि नेट सस्पेंडेड थे. आज किश्तवाड़ जिले का हमारा प्रशासन बैठा हुआ है, अनिल प्रहार ब्रदर्स चंद्रकांत के कातलों को सबके सब या दबोच लिया गया या वो भाग निकले, वो इसलिए कि नेट सस्पेंड. घुसपैठ जो इंटरनेशनल बॉर्डर से होती है लगभग शून्य तक पहुंच गई, वो इसलिए कि नेट सस्पेंड था. वरना क्या होता था कि जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करते थे, और ये हाई अलर्ट का समय जा रहा है 31 तारीख का, पहले दीपावली का समय, जैसे ही यहां सरहद के इस पार आते थे, उनके कोऑर्डिनेट्स आ जाते थे, उनके साथ नेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से उनके साथ कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश करके फेसिलिटेट करते थे उन्हें कहां ले जाना. ये नहीं हो पाया. अगर कोई उस बैठ या निकल भी आता है तो या तो उसे ये खौफ रहता है कि वो बाहर आएगा तो स्थानीय लोग, लोकल लोग उसको दबोच लेंगे, और बाहर जाएगा तो किससे पूछेगा रास्ता. और ये जो इतने अधिक हमें इनपुट्स आए थे इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से, बार बार आप समाचार पत्रों में भी पढ़ते रहे, टेलीविजन पर भी देखते रहे कि आतंक का खतरा है, किसी बड़ी आतंकी घटना का खतरा है, यदि उस पर अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त हुई है तो उसका एक प्रमुख कारण यह है कि यहां पर नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क सस्पेंड है. तो जो लोग इस बात को लेकर के इश्यू बनाने की कोशिश करें, विषय बनाने की कोशिश करें, मैं तो ये कहूंगा कि वो देशद्रोह का काम करें. जो भी व्यक्ति जिसे भारतीय स्वच्छता की चिंता है, भारतीय प्रभुसत्ता की चिंता है, जो अपने आप को राष्ट्रवादी देशभक्त कह रहे हैं, उसको कोई अधिकार नहीं कहने का. अगर वो कहेगा तो उसे इस आलोचना का सामना करना पड़ेगा कि वो अपनी राजनीति के लिए देशद्रोह की शब्दावली का उपयोग करने में भी परहेज नहीं करता. एंड नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट, आई मीन दिस इज व्हाट वाज ऑफ इंटरेस्ट टू ऑल ऑफ देम. लेकिन एज फार एज दी एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, आई थिंक इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हाईलाइट वॉट हैज बीन पॉसिबल.
और मैं तो ये चाहूंगा आप कुछ एक लोगों की जिम्मेवारी लगाइए, तीन तीन महीने जब नेट बंद रहा है 1990 से लेकर अब नेट तो आया यहां पर 2000 के बाद, उसके अंतराल में कितनी आपके टारगेट्स पूरे हुए और आप कितने हुए? आज एविडेंस बेस्ड भी रहा है, किसी वक्त नहीं कि अपने वो एयर कंडीशन बैठक रूम में बैठ करके स्टेटमेंट जारी करे। अगर एक स्टडी की जाए, किश्तवाड़ भी करे, डोडा भी करे, जो सबसे अधिक आतंक से प्रभावित क्षेत्र था इस संसदीय कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कि जब दो दो तीन तीन महीने नेट सस्पेंडेड रहा तो उस समय हमारे टारगेट्स चाहे वो आयुष्मान के थे, चाहे पीएम किसान के थे या दूसरी फ्लैगशिप कंपनीज के थे, उनकी क्या स्थिति है और आज क्या थी? और आप पाएंगे कि इस बार कहीं अधिक मात्रा में काम हुआ है, विच इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑन द काइंड ऑफ गवर्नेंस विच हैज हैपन्ड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। आई एम नॉट मेकिंग ए रिफ्लेक्शन ऑन एनीबडी ऑन द अर्लियर गवर्नमेंट्स, बट देर हैज बीन डेफिनेट इम्प्रूवमेंट इन गवर्नेंस एंड वी हैव बीन एबल टू प्रोवाइड अ टारगेट ओरिएंटेड गवर्नेंस। दूसरी बात जो हाईलाइट करने योग्य, जो मैं डीसी साहब से कह रहा था कि आपको पहले कह देनी चाहिए थी, डोडा जैसे पहाड़ी जिला में कोई पंचायत ऐसी नहीं है जिसको 30 लाख की धनराशि केंद्र से ना पहुंची हो। मैं प्रार्थना करूंगा ब्रेकिंग न्यूज देने के बजाय मीडिया वाले जाकर के खोज करके आए, एक पंचायत लेकर के आए हमारा सामना करें, डीसी साहब से पूछेंगे साहब आपने ऐसे कह दिया तो हमारे सामने। और